to India's best dramabaz ke funde. हमारे सुपर डुपर 18 ड्रामेबाजों का स्वागत हुआ पूरी गर्मजोशी से। कल हमारा ग्रैंड प्रीमियर था और हमारी एक लंबी सी गाड़ी में एंट्री। और मैंने इतनी बड़ी कार में मैं कभी नहीं आया। और फोटो खींच रहे थे। जिसे स्टील अवार्ड में होता है उसे शाहरुख खान बड़ी गाड़ी से निकलता है और वैसे वहाँ हमारे बहुत सारे फैंस थे। मेरा कॉस्ट्यूम थोड़ा सा पिंक और ऑरेंज का मिक्स था। बहुत बड़े से सेलिब्रिटी है। उसके बाद जब हम लोग सेट देखने गए तो वो बहुत सुंदर था। कितना बड़ा मेरे मुझे तो चक्कर ही आ गया। बहुत सारी लाइट्स थे, बल्ब से चमक रहे थे। हमारे स्टेज का जो सेंटर था, सर्कल था, वो पूरा घूम रहा था। फुल्ली लाइटनिंग वाला था, ऐसा लग रहा था कि दिवाली है। कभी येलो, कभी पिंक, कभी व्हाइट। पार्केर इंटेलिजेंट एलईडी पार्क, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स और कैमरा इतने सारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैमरास थे। 11 कैमरास कभी देखे आपने? वो जो कैमरामैन थे ना, कैमरामैन अंकल स्टेज पे, हम उनकी ट्रॉली के साथ मजा कर रहे थे, बोल रहे थे और आखिर में हमें उनको उठा दिया वहां से और हम उस ट्रॉली के साथ मजा कर रहे थे। और मैं अचानक साउंड रूम में घुस गया। इतने सारे बटन थे, ये तो बहुत सारे गेम्स थे। इतने सारे बटन थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि वीडियो गेम कर रहा है। इतना मैजिक बटन थे यार। अच्छा मतलब इसे दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा, ऐसा मैजिक तो मुझे भी नहीं आता। मेरी बात सुनो ना पहले। इधर है यार। अरे कोई लेके जाओ इनको भाई, सिक्योरिटी कोई है? लो बच्चे लोग दोनों को लेके जाओ। दो महीना बाप रे बाप। वेलकम टू इंडियाज बेस्ट ड्रामे बाज। आज तक अपने जजेस के लिए परफॉर्म किया, आज हमारे जजेस ने हम लोग के लिए परफॉर्म किया। ये सर जब डांस कर रहे थे ना तो बहुत हैंडसम लग रहे थे, बहुत सुपर लग रहे थे। ग्रैंड प्रीमियर के पहले एपिसोड में मैं बहुत सारी ग्रैंड चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ग्रैंड ड्रामेबाजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ग्रैंड परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बच्चों के चेहरे पे ग्रैंड स्माइल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सोनाली मैम तो इतनी क्यूट लग रही थी, विवेक दास से भी क्यूट लग रही। और अनुराग सर हमारे सोफे के पीछे से ऐसे कीड़ा लाके उन्होंने डांस किया बर्फी के गाने पर। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, हमने अनुराग सर के साथ डांस किया। आला आला बड़ा आला बर्फी। उस
का गाना बज रहा था इंडिया स्पेस ड्रामे बार। फिर हम लोग जजेस के साथ डांस कर रहे थे इंडिया स्पेस ड्रामे बार। सबकी चाल बदल गई, सारे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है कुछ कमाल होगा यहाँ पे। जहाँ से शुरू हुए थे एपिसोड्स में ऑडिशन के, वहाँ से लेकर अब यही बच्चे हमें मंच पर क्या चमत्कार दिखलाने वाले। कमाल भी हुआ और चमत्कार भी, और जब स्टेज पे पहुंची बिपाशा तो ड्रामेबाजी और मस्ती दोनों दुगने हो गए। जब एंकर से बोला कि प्रेजेंट इज बिपाशा मैम, तो हम लोग देख रहे थे कहाँ है बिपाशा मैम। बाद में देखा कि वो हाइड्रो से ऊपर आ रही थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतने बड़े सुपरस्टार से मिली हूँ मैं। बहुत लंबी थी, मुझसे भी ज्यादा लंबी थी। सुंदर लग रही थी, मन करो कि और जैनत, वो तो उनका बहुत बड़ा छोटा सा बॉयफ्रेंड है ना, इसे उनको पत्नी बनाना। अभी जैनत, जैनत छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बिपाशा दीदी, एक छोटी सी गर्ल आई थी, वो बहुत क्यूट थी, उसका नाम टॉय था, वो बहुत क्यूट थी, उसके हेयर्स बहुत कर्ली थे, वो बहुत क्यूट थी। हमें वो आने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो जजेस के साथ नहीं, हम बच्चों के साथ ही बैठी थी। हमारे ग्रुप एक्ट के बाद जब भी मेहनाज ने बिपाशा बसु को मेहनाज का डांस करने बोला था, तभी मुझे डर लगने लगा था कि मुझे ही डांस नहीं करना पड़ेगा। जाने दो ना पासा ओ ना, छुओ ना मुझे छुओ ना। जहाँ पर हमने किया था वहाँ पर उन्होंने वर्स और फॉरवर्ड दोनों किए, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ थी क्योंकि उन्होंने कौन सा रिहर्सल की थी, वो तो ऐसे ही कर रहे थे। ना ना ओ छूना। अनुराग सर सब कुछ गलत कर रहे थे वो, लेकिन उनको देखते हुए बहुत मजा आ रहा था। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि वो मेरी तरह बिल्कुल कर नहीं पाए। जी बिपाशा दीदी बहुत अच्छी लगी, और ना उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है आत्मा, और मेरी फ्रेंड है तेजस्विनी, उसका बर्थडे भी तभी होता है। Well, India's best ड्रामेबाज में इतना फ्यूचर टैलेंट है, इतने ड्रामेबाज है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। इट्स क्वाइट यू नो, इट्स क्वाइट अमेजिंग दैट व्हेन यू सी दिस लिटिल बच्चास परफॉर्म एंड दे आर डूइंग इट सो मच पैशन एंड हार्ट एंड एक्साइटमेंट, दैट इट रियली फील सो गुड। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के फंडे में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ ड्रामेबाजी की कोई कमी नहीं होती, फिर चाहे वो ड्रामे के कैरेक्टर में हो या अपने असली कैरेक्टर में, हमारे ड्रामेबाज ड्रामे से बाज कहाँ आते हैं। अरे बाबा रे, अभी से इतनी बड़ी बड़ी लाइन, इधर आओ, देखो किसी को अभी से सीखा है प्यार का भाषा, और आपका नाम है पूरा विपास। ये कहाँ से लाए इन बच्चों को बाबा? अभी आंखें बंद करो। वापस बोलो।
मस्ती चाहे कितनी भी हो, एक चीज है जिसको लेकर हर ड्रामेबाज बहुत सीरियस है, बेस्ट ड्रामेबाज का खिताब। सबसे ज्यादा स्कोर्स मिले हैं टीम पटाका से पपेट एक्ट को, यानी अवनीत और आदित्य है ड्रामेबाज ऑफ द डे। इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के ग्रैंड प्रीमियर का हम फर्स्ट पीपल है जिनको ड्रामेबाज ऑफ द डे का किताब और ये बैज मिला है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। और आई होप कि हम लोग कल भी ऐसा करें, हमारी टीम को ड्रामेबाज ऑफ द वीक का किताब मिले। कल तो ड्रामेबाज ऑफ द डे का खिताब वो सामने वाली पटाखा टीम ने ले लिया, लेकिन आज ड्रामेबाज ऑफ द वीक का खिताब हम धमाका टीम वालों को ही मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई अवनी और आदित्य को बैच मिला पर हमें नहीं मिला। मैं अगली बार बैच तो लेकर ही रहूंगा, और अगर बैच भी नहीं दिया तो मैं छीन कर ले लूंगा। हम जब कमेंट्स देते रहते हैं एज जजेस, और कुछ बच्चे तो स्टेज पे होते हैं, वो तो बिल्कुल हमारी बात सुनते होते हैं, लेकिन इन बदमाशों की तरह, इन बंदरों की तरह बाकी सब बच्चे क्या करते होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इनकी झलकियां। जब परफॉर्मेंस चल रहा था, ओके गाइस कैन यू हैव सम साइलेंस ऑन फ्लोर। जब परफॉर्मेंस चल रहा था, साइलेंस। जब परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस चल रहा था तो अन्ना बार बार सो जा रही थी, उसे उठाते उठाते मैं थक गया, ऐसे सोई हुई थी। हाँ हाँ जब परफॉर्मेंस चालू होती है और कुछ अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, और मतलब विवेक सर और सोनाली मैम और राक्षस एंजॉय करते हैं, तो प्रिंटिंग का नया रूट कैसे से नाचने लगते हैं। पैर पड़ू, पैर पड़ू, पैर पड़ू, जाना बैठना, बैठना, बैठना। चॉकलेट चाहिए। बाप रे, मैंने तो परेशान कर दिया। प्रणीत, जैनेज, अनमित्रा और निहार, बाप रे, ये दो बच्चे, बच्चे तो इतने हैं। आई एम टायर्ड, ये देखो पसीना छूट गया। इतने सारे पटाखे, इतने सारे धमाके, हल्ला तो मचेगा ही। दो टीम्स, दोनों में ढेर सारे ड्रामेबाज और सारे मस्तीखोर। यहाँ दोस्ती की डोर भी है तो कंपटीशन का जोर भी, और इन सब के साथ है ढेर सारा शोर भी। अब जरा कीजिए इनकी बात पे गौर भी। हम लोग तो ऐसे शादी करेंगे, ग्रुप पे जो भी गर्ल्स
और मैं हूँ भक्ति। हम लोग तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और एक बात पता है, जब तक पटाखा नहीं फूटता तब तक धमाका नहीं होता। मेरा नाम प्रणीत है और मेरे टीम में नौ बच्चे, नौ पूरे नौ, और उनका नाम है बनाते जी, बहुत बढ़िया काम करते। मैं नो आपको बड़ा फैन हूं जी, मैं जलंधर तो हूं जी। ओ पाजी बस करो यार, तुम्हारी दाल ऐसे निकलन वाली। अरे अपना साइज देखा, कभी छोटी छोटी कार के रेस में कभी ट्रक को जीतते देखा आपने? साइज का किया है जी, वो कह देंगे कि बेबे ने ज्यादा दूध पिलाया था, हम लंबे हो गए जी। पाजी पाजी कैमरा, पाजी कैमरा, ओ माय गॉड, पाजी पाजी टाइम मिला है, टैलेंट दिखा लो। तैयार हो जाओ, गाड़ी ना खराब करो। सोनियो जी, ओके पाजी शुरू करते हैं एक्शन का। इस टाइम पर कॉमेडी कॉमेडी पाजी, ओवर एक्टिंग ना करो पाजी, इमोशन दिखा दो। इमोशन मां नहीं मुर्गी पाजी, उठ जाओ, कॉमेडी दिखाने का वक्त आ गया। क्या नहीं है वो? अरे जिसकी बड़ी बड़ी और गोल गोल आंखें होती हैं। वो उल्लू? उल्लू नहीं यार, वो जो ऐसे 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 चलता झाड़ू। अरे झाड़ू नहीं यार, पाजी यार, ये टू मच यार। अरे यार, जो जो ऐसे करता पता नहीं की टिड्डा। अरे टिड्डा नहीं, टिड्डा 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 आपने नहीं है? टिड्डा टिड्डा नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, किड्डा नहीं है ना, अपन किड्डे देने वाले बन जाते हैं। वो इनका काम ना बड़ा आसान है, बैठे बैठे नंबर दो ते बहुत पैसे मिलते हैं जी। पैसे मिलते, इनके जैसे काम करते जी। कैसे मिलेंगे पाजी? वो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सबसे पहले पहले देख वो बीच बीच सोनी बैठी ना, वो देख उसके जैसे बन ठन के जाना बस हाथ से, तो जो भी बच्चा आएगा ना उसको बोलना क्यूट है जी, पक्के आ रही है।
काम करो वो छोड़ो जी। उसके बगल में देखो जी बैठा ना वो ऐसे बाल वाला, हाँ देख नमस्ते कर रहा है, नमस्ते कर रहा है। ऐसे करके अपने पैसे कमाने, बस सिंपल सा काम है। उसके जैसे करना, वो जो भी बच्चे को देख रहा ना लाता जब्पी पा लेता है। अपन ने करना कुछ नहीं, जब्पी पानी ले, जब्पी पानी कोई नहीं। टायर्ड वो टायर्ड होना काम ना उसका, वो देख लास्ट में बैठा ना ऐसे बैठे रहो जी, करना कुछ नहीं। वो लगता नहीं है पर है। स्पेशलिटी कुछ नहीं, हलवाई है जी, हलवाई। उसने बनाई थी बर्फी, थी अपन ने बनानी है जलेबी, वो भी घी वाली। आसान काम है इनका। ओए आसान काम है। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा एक सवाल पूछो जवाब दोगे। अरे आप बिल्कुल देंगे जी, पूछो जी। पास हर सवाल का जवाब है जी। बहुत डिफिकल्ट है, पूछो जी। अबे सोच लो, पूछो। अरे सोच लिया। 15 अगस्त कौन से तारीख को आता बताओ। हाँ 15 अगस्त को आता है। ओ यार 15 अगस्त 21 को नहीं, 22 को आता है। ओ यार पाजी अगस्त सितंबर चांद है। अरे याद नहीं आ रही यार, ये जज ना बड़े मैनिपुलेटिव टाइप के लग रहे हैं मुझे। बहुत कुछ भी पूछे जा रहे हैं और अच्छे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। काम करो ये जो बाल वाले, नमस्ते करिए। आप पूछो जी कोई सवाल। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। हां जी सत श्री अकाल। ओ जी बादशाह तुसी पूछ लो। ओ तुसी जज बनोगे। हां जी बनेंगे जी। हुन दसो, हां जी टेल मी टेलिंग। सूरज दिन में रोशनी देता है, हां जी, रात को कहां जाता है। ओ यार हमें कुछ बताओ, हम तो रात को सोते हैं। ओ यार ओ सुनी अपन तो सोते ही नहीं, अपने को क्या पता। ऐ तो सवाल ही बकवास है जी। अरे मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल एकदम आसान। आपके लिए तो जान दूंगा। सो बिल्कुल जान मत देना, सिर्फ जवाब दे। हां जी पूछो जी, पूछो जी। वो आपकी लाल कलर की जो टाई है ना, हां जी, उसका क्या कलर है। एना कलर, एना कलर आएगा जी, एना कलर होगा जी। ओ सुनी ओ सुनी 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 सुनी, हेल्प कर हेल्प कर। एना कलर की, एना कलर की है। जी संता और बंता तो कमाल करके चले गए और अब आएंगे हमारे छोटे मोटे ड्रामेबाज अपनी ड्रामेबाजी दिखाने, ओनली ऑन इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। एंड वेल वेल वेल, आज हमारे इस ग्रैंड प्रीमियर के ग्रैंड स्टेज पर हमारे ड्रामेबाज अकेले नहीं है, उनका साथ देने के लिए आए हैं माउंट लिट्रा जी स्कूल के स्टूडेंट्स। शो में फूटे बहुत से पटाके और हुए बहुत से धमाके, आफ्टर ऑल एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज जो है हमारे पास। आज भी इस ग्रैंड स्टेज पर टीम पटाका और टीम धमाका लेकर आएंगी अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस और उन परफॉर्मेंसेस को मिलेंगे स्कोर्स। और फिर आज और कल के स्कोर्स को जोड़कर जिस टीम को मिलेंगे ज्यादा स्कोर्स वही बन जाएगी ड्रामेबाज ऑफ द वीक। कौन बनेगा ड्रामेबाज ऑफ द वीक? टीम धमाका, टीम पटाका। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। well, यही एक्ट हमारा अगला जो डुओ है वो लेकर आ रहा है, जो है 6 साल का जेनिथ और 6 साल की अन्ना मित्रा, गाय माता। Good morning,
लोगों को बाजार में गाय दिखती है और भैंस आता है सर। गाय हमारी माता है, उसके चार पैर, उसके दो सिंह है, उसके दो कान है, उसका एक पूंछ है और गाय कचरा खाती है। इसमें भी गाय। अब ऐसा पूछूंगा कि गाय भी इसमें आने नहीं दूंगा। चलो हेलीकॉप्टर पे कुछ सुना। क्या हेलीकॉप्टर पे? सुनिए सर, हेलीकॉप्टर उड़ता है और उससे नीचे देखते हैं तो पृथ्वी दिखाई देती है, उससे नीचे देखते हैं तो जंगल दिखाई देता है, उससे नीचे देखते हैं तो पेड़ पौधा दिखाई देता है। अब पौधा कौन खाता है? गाय। सही जवाब, गाय। और गाय से आधा सर, गाय हमारी माता है, उसके चार पैर, उसके दो सिंह है, उसके दो कान है, उसका एक पूंछ है और गाय कचरा खाती है। कचरा। अब ऐसा पूछूंगा कि गाय बीच में आने नहीं दूंगा। चलो सिंगिंग पे कुछ सुनाओ। सिंगिंग बच्चा? अरे गाना गाना। गाना गाना? सुनिए सर, जो गाना गाता है उसको अच्छा लगता है और जो गाना गाएगा वही नाम पाएगा। और कल हम लोग क्लास में बहुत गाना गाए और गाय से आधा सर, उसके दो सिंह है, उसके दो कान है, उसका एक पूंछ है और गाय कचरा खाती है। कचरा। पहले तो एक बात बताओ जेनिथ, रिहर्सल के दौरान जब इसने, ये जो हमारी प्यारी सी अनामित्रा है, इसने तुम्हें इतना इरिटेट किया, तुम्हारा एक बार भी मन नहीं किया कि एक तो मारी तू कि गाय पता है मेरे को कि माता है, मन नहीं किया मारने का? पर मारूंगा तो लगेगी तो घर है ना। लगेगी तो सही ना? लगेगी तो सही, वो बात तो है। आपको चाहिए? दो बाबू मारती हूं। क्या आपको चाहिए? डंडा। हां दे दो डंडा। क्या दोगी डंडे में? अरे मारो तो मारती हूं। अरे मेरे को तो, अबे मैंने क्या किया? अरे गाय हमारी माता है, गाय के दो कान है, गाय के चार, गाय कचरा खाती है। कचरा मैं सीख गया, सीख गया। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये लो किसी को मारना तो दे देना। नाली बहन रे दीदी, ये दोनों बदमाश लड़के बच्चे मत देना। अब आपने बना दिया हमारी जो सोनाली मैम को टीचर बना दिया आपने और दो स्टूडेंट्स बैठे सामने, तो सबसे पहले पहले हम हमारी टीचर से ही पूछते हैं। मैम जरा ये बताइए, छड़ी उठा के कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? चलो 1 2 3 स्टार्ट। गाय हमारी माता है, उसके चार पैर है, उसके दो सींग है, उसके दो कान है, उसकी एक पूंछी है और गाय कचरा खाती है। ये मुझे नहीं खिला जाएगा, मैं नोट सोच लूंगा अपने बाल। प्लीज आप बताइए क्या क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में। अरे मैं तो कह दूं, उसके पहले ना कीड़ा बोर से ऐसे बोल रहा है, मुझे कुछ पूछना है। पूछना है? बिल्कुल। मैं
पूछना चाहता हूँ जेनेट से। जेनेट बोल। गाय तुम्हारी माता है? सबकी माता है। वैसे गाय सबकी माता होती है। नहीं 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 नहीं, गाय मेरी माता नहीं है, मेरी माता तो कीड़ा है। तेरी माँ देखो गाय तुम्हारी माता है, कीड़ा की माता कौन है इसको बेचारे को पता नहीं। ये सोने का कीड़ा। हाँ? वो। ओ, ये मेरी माता है। अच्छा एक बात बताओ कि जो कीड़ा है ये बोल कहाँ से रहा है? पता नहीं, शायद विवेक सर बोल रहे हैं। मुझे ऐसे करके पता चल रहा है कि विवेक सर बोल रहे हैं। आज तो पकड़ लिया। आवाज तो ऐसे है भाई। क्या हो गया? अभी? हाँ? अभी बोल। और कीड़े? बोल। बड़ा सारा मत बन। तेरे जैसे सारों ने मैंने बहुत देखे। अच्छा कीड़े, कीड़े, चुप हो जाओ। तुम चुप बैठोगे तो मैं कुछ बोलूँ। चुप बैठोगे? जेनेट और अन्ना मित्रा, वेरी नाइस। और मजे लेके कर रहे थे और उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। बीच में एक बार पॉज भी ली, हमें हंसने का मौका दिया उन्होंने बीच में। पॉज फॉर लाफ्टर। हाँ, पॉज फॉर लाफ्टर। इतने से उम्र में बहुत मजेदार, बहुत मजा आया मुझे, बहुत हंसा जोर जोर से मैं, और हंस हंस के और मोटा नहीं हो सकता। जेनेट, अन्ना मित्रा, बहुत प्यारे हो आप, बहुत अच्छा था आपका एक्ट। और यू नो व्हाट, आ एक्ट से भी ज्यादा आप दोनों इतने एंटरटेनिंग हो, इतने एंटरटेनिंग हो कि फॉरगेट, आपकी एक्ट में तो ड्रामेबाजी चलती है लेकिन एक्ट के बाहर भी आपकी जो ड्रामेबाजी चलती है, माय गॉड, आप सच्ची में ड्रामेबाज हो। सुपर जेनेट, तुमने मुझे कल क्या बोला था कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे कि हंस हंस के मोटे हो जाओगे। तो मैं ऐसा हो गया हूँ। बहुत 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 अच्छा लगा तुम दोनों का एक्ट। आई लव यू, लव यू, लव यू। बहुत मजा आया। सिटी में जानी पड़ेगी। हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि गाय कचरा खाती है, कचरा। हम इस वक्त हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जी टीवी पर देख रहा है, पूरा विश्व जी टीवी पर देख रहा है, हम सभी से यही प्रेयर करेंगे कि प्लीज हमारे एनिमल्स को कचरा मत खिलाइए, हमारे पर्यावरण को नष्ट मत कीजिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज जो इन बच्चों ने हमें आज सिखाया। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच विवेक। अरे यार मार्क्स दे रहा हूँ यार, जल्दी क्या है यार? आराम से, राजधानी एक्सप्रेस। 8 points. Wow. 10 points. So, आपका टोटल हो गया है 26.5. Well, very, very nice. बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। All the best, Zenith, जाओ अपनी अपनी कुर्सियां पकड़ लो जल्दी से। सोच रहा हूं बदल लूं अपनी छवि। और वक्त आ गया है, बन जाओ मैं भी एक कवि। वाह 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 वाह। और एक्चुअली आप सोच रहे होंगे क्यों, वो क्या है ना कि जब से मैंने चंद बरदोई की कहानियों के बारे में सुना है ना, मैं कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया। अरे चंद बरदोई, वही चंद बरदोई जो पृथ्वीराज चौहान जी के राजकवि थे, और राजकवि के साथ साथ वो इतने वफादार थे कि पृथ्वीराज चौहान जी की आखिरी सांसों तक उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। वेल, मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, आप एक काम कीजिए, आप हमारा अगला एक्ट ही देख लीजिए जो पेश कर रही हमारी तीन की तिकड़ी, यानी कि मुंबई से 11 साल की राहुल, 11 साल की सयूरी और मोहाली से 10 साल की अंजलि। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टीम धमाका। Thank you.
अपनी बहादुरी पर बहुत नाज खाना और आज जंजीरों में जकड़े हुए कितने बेबस दिख रहे हो तुम। गौरी तुम शायद भूल गए, ठीक एक साल पहले तुम मेरे दरबार में घुटने टेक कर जान की भीख मांग रहे थे और मैंने ना सिर्फ माफी दी थी बल्कि सम्मान के साथ विदा भी किया था। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आंखें नीची करो। गौरी, मैं एक राजपूत हूं और राजपूत की आंखें किसी कायर के सामने जीते जी नहीं झुकती, मरने के बाद ही झुकती है। देखता हूं कैसे नहीं झुकती है तुम्हारी आंखें। दरबार में मैं आपको अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। चंद, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए कवि होते हुए भी मेरे साथ बंधक बनकर दिल्ली से मीलों कोसों दूर घजनी चले आए। महाराज, ये समय पीछे के बारे में सोचने का नहीं, बदला लेने का है। हमें घोरी को सबक सिखाना होगा। आप कल निशानेबाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उसे मार दीजिए और मुझे पता कैसे चलेगा वो कहां बैठा है। मैं बताऊंगा। कैसे? महाराज, मैं राजकवि किस काम का? आदेश तो करें। इजाजत है महाराज। चार बास चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूको मत चौहान। What a performance, everybody! क्या performance था? Superb, guys, superb, superb, amazing. शाबाश, जकास, फंडू क्लास, ड्रामेबाज। क्या बात है यार, I'm so happy.
जब बच्चा पहली बार अपने कदम लेने लगता है, खुद अकेले चलने लगता है बिना आपकी उंगली पकड़े, कितनी खुशी होती है। वैसे मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को आज देखकर, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप लोग, इतना अच्छा परफॉर्म। राहुल आपका तो परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल था क्योंकि आपको ब्लाइंड भी प्ले करना था और बेड़ियों का फील भी देना था। मुझे पता है कि वो बेड़ियों में बिल्कुल लाइट है, वजन नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से चल के आए बेटा, इतना अच्छा लगा, रियल वजन लगा, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सर। अंजलि अमेजिंग। थैंक यू सर। मतलब इतनी तुम प्यारी हो, इतनी क्यूट हो, तुमको देख के हमेशा मुझे मुस्कुराहट आती है। पहली बार आज तुमको देखे और डर भी लग रहा था, रियल अथॉरिटी लग रही थी, ऐसा लग रहा था सचमुच में गजनी खड़ा है वहां पर। इट वॉज फैंटास्टिक। एंड सयूरी, मतलब इतना बढ़िया आपने काम किया। वो जो एक मोमेंट था ना आपके परफॉर्मेंस में, जब आप यो आंसू पहुंचते हैं एक उंगली से, एक अंगूठे से आंसू पहुंचकर फिर आप कहती हैं, महाराज को प्रेरणा देती हैं, महाराज ये समय पीछे के बारे में सोचने का नहीं, बदला लेने का है। इतना अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस मोमेंट में। आप लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, ऑसम गाइस। ये तीनों जानते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा किया है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे ईर्ष्या हो रही है इन मेंटर्स से, और मुझे दिल कर रहा है मैं इनको क्यों नहीं डेट कर रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता होगा इनको। और मुझे मेरे पुराने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरा पॉकेट मनी होता था, मैं स्कूल में जाके थिएटर सिखाता था एनुअल फंक्शंस के लिए बच्चों को, और बड़ा मजा आता था। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, काश इन बच्चों के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और अंजलि को छोड़कर बाकी आप दोनों का काम बहुत अच्छा था। अंजलि हमेशा की तरह, अंजलि का काम मुझे अच्छा नहीं लगा। अंजलि वापस, तुम बेटा बहुत लाउड कर रही थी और बहुत नहीं, उसका हमेशा से इसका आदत है ज़्यादा करने का। और क्यों अंजलि बेटा क्या हो गया? हाँ इसे पता है मालूम अभी नहीं, नहीं अब जितना भी रुला, मैं नहीं रोऊंगी बस। ये आपका जो एक्ट था और जो आपने डांस किया और एक्टिंग किया, सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ बेटा आज? अरे अरे मैं कोशिश कर रहा था कि इसको वापस रुलाऊं। अंजलि बेटा तुम तुम बेटा बहुत, तुमने बहुत, अपनी तो दोस्ती अपनी चलती है ना, ये सब झगड़ा है, वी आर फ्रेंड्स नाउ, गिव मी 5 फ्रॉम देयर, फटाक। सो अंजलि तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। थैंक यू सर। वेरी नाइस, दबंग के साथ तुम एकदम सीढ़ी से उतरी और सीढ़ी से चढ़ी, सीना चौड़ा करके तुम लग रही थी अपने कैरेक्टर में, बहुत बढ़िया है। फिर से कह रहा हूँ, बहुत ईर्ष्या हो रही है, इन लोग बड़े मजे कर रहे हैं, मैं बैठ के जज कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्ट, मुझे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा। सयूरी, दो कैरेक्टर्स जो इतने ड्रामेटिक थे, उसमें ये एक सॉफ्ट कैरेक्टर भी उतना ही निभाना और उतना ही नोटिस होना बहुत बड़ी बात होती है। आई लव दैट पार्ट अबाउट यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं स्कोर्स की तरफ और हम पूछेंगे सबसे पहले पहले विवेक दा। Nine points. Amazing. 9.5. Yes. Wow. तो आपका टोटल हुआ 28.5 out of 30. Brilliant scores. एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारी टीम की तिकड़ी के लिए, राहुल, सयूरी एंड अंजलि, अमेजिंग परफॉर्मेंस। टेक योर सीट। छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। जब तुम छोटे थे क्या तुम भी इतने टैलेंटेड थे? ऑफ कोर्स टैलेंटेड था। Really? तुम्हें पता है मैंने बचपन में कितने सारे टैलेंट के झंडे गाड़े? Oh. तुम्हें बताता हूँ, एक बार मेरी साइकिल की टायर में से हवा निकल गई थी। हाँ? मैंने फूक मार के साइकिल के टायर में हवा भर दी। अरे ये तो कुछ नहीं, तुम्हें पता है एक बार ट्रेन थी, ट्रेन पटरी से उतर गई, मैंने टुचकी मार के ट्रेन वापस पटरी पे ले आया। फेंका तुमने? ठीक फेंका, आई मीन ओके, लेकिन बकर काका की तरह तो नहीं फेंका। ना ना ना, बक्कर काका, ये बक्कर काका कौन है? हो गई ना, बोलती बंद, खुद ही मिल लो, टीम पटाका।
चिन्मय और पटना से 10 साल के अभिषेक उर्फ 100 ग्राम। So judges, order please. Lights, camera, drama! छीन लिया तुम लोगों ने जजेस से, क्या बात है, क्या बात है। यही तो काम बचाया। क्या छीनने का जगह तो सुनाओ ना, सुना लीजिए काम सुनाओ ना। ओहो, बहुत अच्छा किया आपने। और कितने, मतलब द बेस्ट पार्ट ये था कि आपने अपने एक्ट को कितनी अच्छी तरह से संभाला। आपने जो इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं एक्ट में वो बहुत अच्छे थे। पगड़ी गिर गई, आपने अपने कैरेक्टर में उसको बोला कि उठा के पहनाओ, उसने भी आपको अपने कैरेक्टर में जवाब दिया जैसे कि लिखा हुआ था सीन, वो लिखा हुआ नहीं था ना। मुंडी को जाए पूछ निकाला मार दिया। पगड़ी गिर गई, उठाओ, हमका ये उठाए, उठाओ, पहनी हो आप क्या अभी पहना दूं? पहना।
आपकी उम्र के लिए ये इम्प्रोवाइजेशन जो आप कर रहे थे फैंटास्टिक थे. कॉमेडी का टाइमिंग परफेक्ट लाना ये बहुत ही मंझा हुआ एक्टर ही कर सकता है और वो दोनों आप हो, नो डाउट. विवेक जी बताइए ना कैसा. और हम बताएं का? प्लीज बताएं. अरे हम का बताएं भैया, का बताएं हम. बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. दोनों ने इतना फटाफट 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 गिफ्ट टेक इतना फटाफट किया. मतलब कॉमेडी में ये टाइमिंग हासिल करना, और खासकर मैं चिन्मय, मुझे हल्का सा डाउट था कि चिन्मय कॉमेडी कैसे करेगा, कर पाएगा क्या पूरा एक्ट 100 ग्राम उठा लेगा. लेकिन आपने उसे मतलब ब्लो फॉर ब्लो मैच किया. कमाल किया चिन्मय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. यही मजा है एक एक्टर की वैरायटी देखने का, एक एक्टर का रेंज देखने का. आपका रेंज देखने को आज मिला एंड यू आर सो गुड विद कॉमेडी बेटा. क्या बात है, क्या बात है. बोथ ऑफ यू गाइस वर फैबुलस. शाबाश जकास बिंदास फंडू क्लास ड्रामे बाज. ये साइकिल के दो पहिए हैं क्योंकि एक तुम दोनों दो पहिए हो बेटा, एक पहिए से तो नहीं चलता ना साइकिल. यही तो मजा है थिएटर का. और तुम दोनों पहिए बहुत कमाल एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया. और बेटा अभिषेक तुम नेचुरल हो बेटा, तुम्हारे अंदर जो ह्यूमर है ना, विट है, वो अपने आप तुम्हारे अंदर है. वेरी नाइस. स्कोर जाने? हाँ, तनिक बताइए तो जरा. देखिए तुम्हारे 100 ग्राम में कितने ग्राम जुड़ते हैं. 110 ग्राम. सुना लीजिए. 9 पॉइंट्स. विवेक जी 10, 29 out of 30. सुपर्ब. मैंने सुना तुम कुछ शायरी वायरी बड़ी लिखते हो यार, बड़ी तुम बंदियां करते हो तुम. हाँ अभी इतनी शायरियां सुना. इरशाद इरशाद सुनाओ. सुना दो. बीच वाले, बीच वाले मतलब सुना लीजिए. सभी लोग बजाओ ताली क्योंकि सामने बैठी हमारी मैम सोनाली. यहाँ के कितने बल्ब फ्यूज है, फ्यूज है. और हमारी ये कविता सुनने के लिए विवेक सर कंफ्यूज है. देखो एक मिनट रुक जाओ, तुम बासु के साथ सुसु कराई मत करो. जो करना है करो, बोलो. अनुराग सर की तो बात ही नहीं, आप है महान. आगे चल के मैं बनूंगा वांटेड का सलमान. बहुत अच्छी ड्रामेबाजी की आप दोनों ने. जोरदार ड्रामेदार तालियां हमारे अभिषेक और चिन्मय के लिए. 29 out of 35. विक्रम 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 बेताल 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 बेताल. क्यों कुछ याद आया? नहीं. अरे विक्रम और बेताल की वो कहानियां जो आप और हम बचपन में सुना करते थे. लेकिन क्या है ना कि हमारे इस इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के स्टेज पर विक्रम और बेताल की कहानियां कुछ उलट पुलट सी हो गई है. मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं. हमारी अगली टीम यानी कि टीम धमाका लेकर आ रही है ये एक्ट, जिसे पेश करेंगे 11 साल के यश और प्यारी सी 8 साल की महनाज. टीम धमाका. चांदी की साइकिल सोने की सी, आओ चले डाले चले डबल सी. तो बिकू हट, एक कहानी सुनाऊं. कहानी? चलो ता. हाँ जी बोलो. आज कहानी मैं सुनाऊं. अरे मेरे भाई मैं. और अगर तू कहानी के बीच में डरा तो यहीं पटक के चला जाऊं. बेताल और डर, बॉडी देखिए मेरी. बिको बेताल का काम डरने का नहीं है, डराने का है. डरूं क्या, डरूं क्या, डरूं क्या. अच्छा चल बैठ 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 जल्दी बैठ. मेरी कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से. भेड़ियों की रोने की आवाज आ रही है. तेज
हवा चल रही है। सांग, 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 सांग। हवा जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक महल के सामने जाकर पहुंचती है। बड़ा पुराना और बहुत ही डरावना महल है। अचानक से महल के दरवाजे खुलते हैं। और लाखों करोड़ों चमकादर, नीले ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट उड़ते हुए आते हैं। जर, जर, अचानक से बिजली कड़कती है। और सुनाई देती है एक आवाज। बहुत हंसाया। आई लव द एक्ट यार, सुपर्ब, कम ऑन, ऑसम। सबसे पहले तो इतना कूल, इतना अमेजिंग, इतना अलग कॉन्सेप्ट यार। हम लोग सब बड़े हुए हैं विक्रम और बेताल की कहानियां देखते हुए, लेकिन विक्रम बेताल इस तरह से सोने की साइकिल और चांदी की सीट, चलो डार्लिंग डबल सीट, ये तो पहली बार देखा यार। बहुत बढ़िया लगा और दोनों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। जिस तरह से एक एक साउंड इफेक्ट दे रही थी मेहनाज, मतलब बिल्कुल एक चित्र बना रही थी हमारे लिए, एक विजुअल बना रही थी, हमें दर्शा रही थी अपने शब्दों से और परफॉर्मेंस से। बहुत अच्छा किया बेटा मेहनाज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड सो वेल। बहुत खूब। और यश यार, तुम तो कमाल हो यार। वो जैसे बिजली का झटका लगा तो उसके बाद वापस वो करंट कंटिन्यू रखना, वो सारी छोटी छोटी चीजें। ये सारा आपने किया या ये आपको डायरेक्टर ने बताया, मेंटोस ने बताया, किसने बताया? सर वो बिजली वाला तो मैंने खुद ही किया। खुद ही किया ना? मेनास, आप सुपर्ब एक्टर हो, उसमें कोई शक नहीं है। इस बार मुझे लगा कि यश थोड़े हावी हो गए, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेहनाज, आप जिस तरह से आपकी आवाज को यूज करते हो, मैंने अभी तक इस उम्र के बच्चों में ये बहुत कम देखा है कि इतनी अच्छी तरह से यूज करते हुए अपनी आवाज को। सो एज अ कॉम्बिनेशन बोथ ऑफ यू, फैब्यूलस वर्क, मजा आ गया आपको देख के। सुपर्ब मैम,
ये बचपन के चंदा मामा से निकल के ऐसे विक्रम वेताल बाहर आएंगे मुझे पता नहीं था। और पहली बार मेरे दिमाग से ना अरुण गोविल की जगह मेहनाज का चेहरा आएगा, वो रिप्लेस हो गया इतने सालों बाद। तुमने प्यार किया जा पिक्चर देखी है? नहीं देखी ना? देखो जाने अनजाने तुमने महमूद जैसी एक्टिंग की, आज मुझे उनकी याद दिलाई। जब वो ओम प्रकाश जी को, और ये भी थोड़ा ओम प्रकाश जी जैसे हैं, थोड़े से देखा। मेरा बहुत फेवरेट सीन है वो, दादा बहुत फेवरेट सीन, हम सबका मुझे लगता है वो फेवरेट सीन है। और तुम जाने अनजाने देखो उस सीन को, उस सीन का याद दिला दिया आज मुझे, वेरी नाइस। सर मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर आपने उनका सही आंसर दे दिया तो आप मुझे साइकिल पे राइड नहीं कराओ, अगर आप वो नहीं दे पाए तो आपको मुझे साइकिल पे राइड कराना स्टेज के ऊपर। दादा हाँ कर दो, ठीक है पूछिए। पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी की है जिससे ना हम दरवाजा खोल सकते हैं ना लॉक खोल सकते हैं? ओह मेरे को पता है, मत मत मत, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं लेकिन की टेस्ट तो दादा कर। नहीं गलत। पहला सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, बहुत सारे लौकी, मंकी, डोंकी, डोंकी, डोंकी। दादा दादा ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा दादा। दूसरा सवाल। ओके दूसरा सवाल, दूसरा दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा ड्राइवर है जो बिना लाइसेंस के काम करता है? हार्ड ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। क्यों बताते हो? सर ये चीटिंग है सर, दादा को पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, दादा बहुत हेल्प ले रहे सबसे, क्या पनिशमेंट दूंगा? चलो साइकिल पे राइड दिलवा, कम ऑन दादा, दादा प्लीज। अब हम बढ़ते हैं फाइनली स्कोर्स की तरफ, शुरू करते हैं इस बार दादा आप ही से। दादा आप बताइए। 9.5 विवेक का 9.75 सोनाली मैम स्कोर्स प्लीज। चलो निकालो निकालो। 9 points सो टोटल होता है 28.25। प्लीज जाइए अपने आसन ग्रहण कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बच्चा था परेशान, पास आ रहे थे उसके एग्जाम, पूरे घर को थी उससे आस। अब ऐसे में क्या करता बच्चा बेचारा, जपने लगा 90% का नारा। तो आइए सुनते हैं इस छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे के एग्जाम टाइम ट्रबल्स को, जिसे पेश कर रही है टीम धमाका, स्टारिंग 6 साल का निहार फ्रॉम शिरडी। मेरे एग्जाम्स आने वाले, उससे ज्यादा तो मेरे घर वालों को टेंशन है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन है। सबने एक ही रट लगा कर रखी है, 90% 90% 90% 90% 90% 90%। हाँ दादा दादी का पूजा पाठ हो गया ट्रिपल। बेटा पूजा कर देता बेटा, भगवान तुम्हें 90% मार्क्स देगा। जिसे भगवान ही चश्मा लगाकर पेपर चेक करता है। हाँ। नानी के घर रोज हवन का प्रोग्राम हो रहा है, और मैं धुएं से परेशान हो रहा हूँ।
दो दिन से डॉक्टर का चक्कर लगा रहा हूँ। अभी मम्मी के ताने भी शुरू हो गए। देख, मैं अपने सीरियल्स मिस कर रही हूँ। अगर तू 90% नहीं लाएगा तो मैं सीरियल वाली मम्मी बन जाऊंगी। एक झापड़ लगाऊंगी, तीन तीन झापड़ पड़ेंगे। वो ऐसे मैं सोता नहीं हूँ। उससे पहले मेरे चाचा चाची आकर उठा देते और कहते, बेटा निहार, जो सोते वो खूबते और जो जागते वो पावते। अच्छा, आपको अपनी आजकल की डाइट बताओ। रोज सुबह बादाम, 3 टाइम मिल्क, एग, रेड गोली, पिंक गोली, ऑरेंज गोली, पर्पल गोली, ये चूरन वो चूरन, च्यवनप्राश। ऐसा लगता है कि मेरा पेट एक चलता फिरता मेडिकल स्टोर हो गया है। घर वाले तो घर वाले, अभी बाहर वाले भी शुरू हो गए। दूध वाला, सब्जी वाला, धोबी, इन सब के मुंह पर एक ही मंत्र, 90%, 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
अरे नन्ना सा निहार, तुम्हारी सुने उनकी सुने क्या पढ़े? प्लीज प्लीज मुझे बख्श दे दो प्लीज। क्या मैं आपके काम में टांग अड़ाता हूँ? नहीं ना, फिर आप लोग क्यों मेरे काम में टांग अड़ाते हो? अब ऐसे देखो मत ना, जल्दी से मार्क्स दे दो, 90% से भी ज्यादा देना, बहुत लोगों की इज्जत का सवाल है। थैंक्स। 90% के लिए 100% तालियां। क्यों 200%? ओहो सोनाली जी, हमारी यमी मम्मी, क्या आप भी अपने बच्चे में प्रेशर डालती है 90% 90% 90%? ऐसे थोड़ी होता है। 90% भी कोई बात हुई? नहीं, 100% की बात होनी चाहिए। माय गॉड, मर गए। माय गॉड, no, I'm just joking. रागिनी, आपने जो पूछा बिल्कुल सही है, बिल्कुल I don't put the pressure, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चे की अपनी स्पेशलिटी होती है। सिर्फ पढ़ाई में 90% होना does not make you a wholesome person. ये मेरी बिलीफ है। अब निहार की तरफ, जो क्यूट सा है और जो इस बातों से बोर हो रहा है बिल्कुल। निहार, क्या किया जाए तुम्हारा? पता नहीं। तुम्हें खा जाऊं या पैक करके बैग में डाल के घर ले जाओ? क्या करूं? घर ले जाओ। हाँ। मम्मी क्या करेगी वहां से? आप ले जा सकती हो, ये परेशानी का बहुत बड़ा 100% बच्चा है, तो ले जाइए प्लीज। एक दिन में आप वापस तुरंत भेज दोगे मेरे पास। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस है तुम पे। ये हुई ना असली मम्मी वाली बात। निहार, बहुत अच्छा था आपका एक्ट और बहुत आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा था, और आपकी उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, आप इतनी सारी चीजें आप याद रख के आपने जिस तरह से बोला, डिलीवर किया, वेरी वेरी नाइस, मजा आ गया आपको। थैंक यू मैम। वेल, ये तो हो गया मम्मी का एक पॉइंट ऑफ व्यू। अब पूछते हैं, हमारे पास एक नहीं दो दो पापा हैं, एक सीनियर पापा, एक जूनियर पापा। हम पहले पूछेंगे सीनियर पापा से। पापा। एक तो बेटा निहाल, तुमने बहुत, तुम कैसे याद कर लेते हो इतना? बहुत बढ़िया, तुम तो वैसे ही 100% हो, इतना याद कर लेते हो। अच्छा, क्या है ये सबसे खास बात इसकी? क्या है ये, अपनी उस दुनिया में आ जाता है, ये आसपास ना सब शट कर देता है हमसे आंखें। हम तो, मैं बताऊं, मैं जब स्टेज में था ना, जब करता था थिएटर काफी बड़े होकर भी, मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट करने में घबराता था कि मैं डायलॉग भूल जाऊंगा, मेरे थॉट्स कहीं और चले जाएंगे, मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करूंगा, मैं ऐसे आसमान हवे में देखता था। ये तो आई कांटेक्ट करता है फिर भी फराटे से डायलॉग बोलता है, और हम रिएक्ट भी कर रहे हैं फिर भी वो एक्ट में है, ये बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल बेधड़क बेबाक और बिंदास है हमारा निहार। क्यों? जूनियर पापा। वेल,
आपको थोड़ा वक्त है 90% का जाप करने की, लेकिन nonetheless. निहार, आपके लिए तो यार बजानी पड़ेगी. Thank you. Superb हो यार, और इतना अच्छा वेरिएशन लाया, दादा दादी का, नाना नानी का, सबके एक एक के परफॉर्मेंस का, डैड का, मॉम का, सबके परफॉर्मेंसेस का वेरिएशन लेके आया. एक गलती नहीं. आई एम अमेज्ड मैन. इसी के लिए तालियां बजानी चाहिए. थैंक यू. चलो निहार, अब देखें 90% के 100% कितने मार्क्स मिले. एक बार बोलते 90% स्कोर्स प्लीज. अनुराग दा, सोनाली जी 90% 9 points. विवेक जी 100%. निहार 90% से ज्यादा मिले, बाल बाल बच गए. ड्रामेदार तालियां हमारे नन्हे निहार के लिए. जाओ बस अपनी कुर्सी में बैठो. वेल, ड्रामेबाजी तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन हमारे साथ है माउंट लिटरा जी स्कूल के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे. हेलो गाइस, मुझे एक बात बताओ, स्कूल में आप लोग कैसे टाइप की ड्रामेबाजी करते हो, आप बताओ. हाय, आई एम प्रदीति बसक ऑफ जिंदल माउंट लिटरा जी स्कूल नागोथाने. हमें किसी भी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद हम उस टॉपिक में बेस्ड रोल प्ले करते हैं, और आखिर में टीचर्स और हमारे क्लासमेट्स के फीडबैक भी मिलते हैं. वी रियली एंजॉय एन एक्टिंग एंड वॉचिंग, सो थैंक यू. आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमारे ड्रामेबाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा नाम अनन्या है. मैं गांधीधाम के माउंट लिटरा जी स्कूल से आई हूँ. मुझे ये शो देख के बहुत अच्छा लग रहा है. ये शो में जो छोटे छोटे बच्चे ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, और मैं सोचती हूँ काश मैं भी छोटी बच्ची होती और कर पाती इनकी तरह. पर फिर भी मैं इनकी चीयर अप कर पा रही हूँ, इसके लिए मेरे को थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ. ये बड़ी बूढ़ी जी ने जो सवाल जवाब दिया है, माय गॉड कितनी बड़ी है आप, छोटे छोटे बच्चे बोल रही हैं. थैंक यू सो मच किड्स, और ड्रामेदार तालियां हमारे माउंट लिटरा जी स्कूल वालों के लिए. well, एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है, वो है कहानी राजे संभाजी की. राजे संभाजी जिन्होंने औरंगजेब के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके, अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी. Well, यही कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं टीम पटाका से चिन्मय. महाराष्ट्र की मिट्टी में शेर शिवाजी राजा था. शेर का बच्चा संभाजी अपनी आन को जागा था. बलिदान दिया ऐसा उसने कि रोम रोम कांप उठा. नजरें नीची हुई औरंगजेब की जब दखन का स्वाभिमान जाग उठा. हम ये नहीं जानते कि हमारी इस मौत को बलिदान कहना कितना उचित है. सच कहूं तो अपने आप की भी कोई चिंता ही नहीं रही. बस यही उम्मीद है कि मौत को गले लगाते वक्त हम कांपे नहीं. लगता है तुम्हारा बादशाह आ रहा है. आस्थे कदम औरंगजेब, आस्थे कदम. कहीं इस उम्र में इस संभा के सामने मुंह के बल गिरना पड़ो. क्या कर लोगे तुम? क्या कहा? मेरी जुबान काट दोगे? भले ही जुबान काट दो औरंगजेब, लेकिन तुम लोगों को डराने के लिए इस संभा के नजरे ही काफी है. जिस्म कट जाते हैं आन बान शान के लिए, मिट जाती है रूह अपने अभिमान के लिए. कैसे जिया था संभा
याद रहे ना रहे, लेकिन जाना जाएगा इतिहास में उसे उसके इस बलिदान के लिए, उसे उसके इस बलिदान के लिए, उसे उसके इस बलिदान के लिए। Outstanding! Wow! जोरदार ताली एक बार फिर से चिन्मय के लिए। Well, हम सीधा चलते हैं, बिना कुछ ज्यादा बात किए सीधा चलते हैं हमारे जजेस की तरफ। और सबसे पहले पहले मैं पूछना चाहूंगा अनुराग दादा से। दादा चिन्मय, चिन्मय एक बात कहना चाहता हूं बेटा, आप टेक्निकली एकदम करेक्ट थे, सब कुछ आपने सही किया, लेकिन फिर भी कहीं मेरे लिए दिल को नहीं छुई आपकी परफॉर्मेंस। ऐसा आप लोगों को भी लगता है कि मैं अकेला हूं? No, I agree. मुझे क्यों लगता है ऐसा हुआ आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब थिएटर करते हैं आप, झाड़ी पट्टी से आपने काफी थिएटर किया है, आप जब डायलॉग परफॉर्म करते हैं, जो डायलॉग बोलते हैं, आप जो आखिरी रो में बैठा है उस तक भी पहुंचना चाहते हैं, और तुमने जैसा परफॉर्म किया वहां पे उस स्टेज पे जरूर प्रभाव पड़ता। यहाँ तो हम यहाँ बैठे हैं, कहीं पे जाके फिल्म में टेलीविजन में हमें टोन डाउन करना पड़ता है, हमें ज्यादा लग रहा था इसलिए शायद दिल को नहीं छुआ, बस मेरा ये कहना था। आप हमारे तीनों के वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स हो, ये जो थ्रो है ना आपकी आवाज का, और ये जो रीच आउट करना जो है, ये आपकी स्ट्रेंथ है थिएटर में, लेकिन कैमरा जब पास होता है जो इंटेंसिटी है आपकी वो बहुत कुछ बोल जाती है, कई चीजें उतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इन कॉमेंट्स के बाद आप अगली बार क्या चेंज करोगे। अदर देन दैट एज यूजुअल चिन्मय, you are a pleasure to watch, you are a pleasure to have on the show. Well, thank you so much, ma'am. आपकी जो आंखें हैं, उसमें जो तेज थी, जो अग्नि थी, जो महाराष्ट्र के गौरव, मतलब सम्राट शिवाजी के बेटे संभाजी, वाकई में जो उनकी एक स्पिरिट है वो नजर आ रही थी, बहुत अच्छा लगा। और आपकी आवाज भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बुलंद है आपकी आवाज। लेकिन जैसे दोनों जजेस ने कहा, मैं भी उनसे सहमत हूं इस बात के लिए, मुझे लगता है बेटा कि कहीं ना कहीं आपको इस एक्ट के अंदर ही वेरिएशन देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी आंखें इतना बोल रही हैं तो आपको इतना अपनी आवाज से बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो, बट यू आर ऑन योर वे टू बीइंग अ रॉक स्टार एक्टर, डेफिनेटली। बेटा देखो, तुमको पहले ना यू हैव टू बिलीव, तुमको विश्वास करना पड़ेगा। तुम हमेशा ना यहाँ परफॉर्म करते हो, यहाँ से गले से बोलते हो, चिल्लाते हो, लेकिन कहीं पे यू हैव टू बिलीव दैट यू आर दैट कैरेक्टर, विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे पास वो स्कार्फ लेके आओ, वो देखो उसके अंदर एक सेफ्टी पिन लगी हुई है, सेफ्टी पिन ढूंढो उसको, तुम्हारे वो उस रुमाल में सेफ्टी पिन लगी, ढूंढो। है क्या? अच्छा दो मुझे लाके दो, अरे कोई सेफ्टी पिन लाके दो मुझे यहाँ से। आ जाओ ऐसे बांध के वहां तक लेके जाओ, खोलना मत, अब यहाँ पे खोलो मत, पूरा टाइट पकड़ो दोनों को, जाओ उधर जाओ, संभाल के बेटा। अभी बेटा ढूंढो उसके अंदर एक छोटी सी पिन लगाई, सेफ्टी पिन नहीं, पिन एक। उसकी आंखों को देखो चिन्मय, चिन्मय शायद और 5 मिनट ढूंढता और फिर भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि बेटा इस बार भी सेफ्टी पिन नहीं है। देखिए मैं क्या कहना चाहता था, सुनो, पिछले बार तुम्हें पता था कि सेफ्टी पिन नहीं है, तुमने ऐसे ढूंढा और मुझे दे दिया, अब की बार तुम विश्वास कर रहे थे कि उसके अंदर पिन है, देखो कैसे डिटेल में ढूंढ लेता, ऐसे नीचे ऊपर हर जगह झुक के। तो बेटा यही एक्टिंग की बारीकी है, तुम विश्वास करो, तुम वो कैरेक्टर हो, तुम अपने आप वो वेरिएशन जो कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ अपने आप आएगा अगर विश्वास करोगे तो। ये सबके लिए लागू होता है। क्या बात है दादा, थैंक यू दादा, आपसे तो हम लोग भी सीख रहे हैं, थैंक यू।
चलिए स्पोर्ट्स के लिए तैयार हैं आप? यस। कॉन्फिडेंट? यस। चलिए हम सबसे पहले पहले शुरू करेंगे दादा से। 8 points। बढ़ते हैं सोनाली मैम की तरफ। सोनाली मैम 7 points। विवेक दा 8.5। थैंक यू सो मच चिन्मय, अमेजिंग परफॉर्मेंस अगेन। एक बार जोरदार तालियां चिन्मय के लिए। तो मेरे हाथ में आ चुके हैं स्कोर्स और रिजल्ट्स, ये बताएंगे कि कौन सी टीम बनेगी ड्रामे बास टीम ऑफ द वीक। तो आज की ड्रामे बास टीम ऑफ द वीक है टीम धमाका। वीक तो ड्रामेदार रहा, मगर ड्रामेबाजी का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगले हफ्ते होगा और भी ड्रामा, और भी मस्ती, और ढेर सारा मजा, यानी कि ड्रामाजा। तो देखते रहिए इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। इनकी उम्र है कम।